वो स्वयं भी बोले कि ये हास्य विनोद था, उन्होंने बाद में कहा है इसको। मैं स्वयं भी मंच पर था जी, उनका पूरा अंदाज वही था जो उन्होंने बोला है, हास्य विनोद के रूप में ही लेना चाहिए, चाहे नक्सल गतिविधि हो, चाहे डाकू की गतिविधि हो, चाहे सिमी का नेटवर्क हो, सब ध्वस्त करेंगे। जवानों की हौसला अफजाई के लिए हमारा जाना जरूरी है और मैं बालाघाट अभी जा रहा हूँ, वहाँ कार्यक्रम भी है, उनको प्रोत्साहित और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा है। मेरी मान्यता है कि हम किसी भी कीमत पर, कोई भी गुंडा हो, कोई भी नक्सलाइट हो, कोई भी सिमी हो, हम मध्य प्रदेश में पनपने नहीं देंगे। भाजपा ने अब वो कांग्रेस किसी रास्ते पर चल ले, वो सारे रास्ते वनवास की ओर जाते हैं, वो सारे रास्ते संन्यास की ओर जाते हैं, रास्ते आराम की ओर जाते हैं, जीतने की ओर नहीं जाते, जीतेगी तो भाजपा। हिंदू अधिकारी ममता सरकार के कद्दावर नेता थे, बगावत कर ली है, तानाशाही का स्थिति है ममता के साथ, अब ममता का डूबता जहाज है, इसमें कोई नहीं बैठेगा। आप देखिए चुनाव आते आते तक झड़ी लग जाएगी लोगों को छोड़ने की, जिस तरह के भ्रष्टाचार का तांडव, कोई उनके साथ नहीं रहेगा।